बिहार के दानापुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिहार रेजिमेंट में अग्निवीर जीडी पद पर बहाल हुए अभ्यर्थी को सैन्य बोर्ड के अधिकारी ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अभ्यर्थी ट्रेनिंग सेंटर में जाते समय बायोमेट्रिक सिस्टम में उसकी जांच की गई और जांच के दौरान पाया गया कि वो फर्जी दस्तावेज पर अग्निवीर पद पर बहाल हुआ है। इस संबंध में रेजिमेंट के सेना भर्ती बोर्ड के अधिकारी मेजर अंकुर कुमार मिश्रा ने स्थानीय थाना में अभ्यर्थी विकास कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। गिरफ्तार विकास कुमार माई स्थान सरायगंज थाना टाउन जिला मुजफ्फरपुर का निवासी है और गिरफ्तार विकास से आर्मी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूछताछ की है। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मेजर अंकुर मिश्रा द्वारा, जो भर्ती बोर्ड में है बिहार रेजिमेंट के, उनके द्वारा एक फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार करके हिरासत में लेके दानापुर थाना पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जो विकास कुमार, जिसका पिता का नाम राजेश्वर महतो है, वह फर्जी कागजातों के साथ बिहार रेजिमेंट में पकड़ा गया है। इसी संबंध में दानापुर थाना में कांड प्रतिवेदित हो गया और आगे का अनुसंधान जारी है। और इस पूरी खबर पर दानापुर से हमारे सहयोगी पशुपति फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है पशुपति, जहां फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक युवक सेना में भर्ती हुआ, क्या कुछ पूरी जानकारी? आपको बता दे कि युवक से हमारी बात हुई है। युवक का नाम विकास कुमार है, जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और ये बिहार रेजिमेंट में जो डिपेंडेंट भर्ती होता है, जिसमें उनके परिजन मिलिट्री में या पारा मिलिट्री फोर्स में जो भर्ती रहते हैं, उन्हीं का परिवारों का ये इसमें स्पेशल भर्ती होता है। उसी में ये भर्ती होने आए थे और भर्ती हो भी गए थे। 25 तारीख को वो दानापुर पहुंच गए थे और ज्वाइन करके ये 2 दिन तक मिलिट्री में काम किए, ट्रेनिंग किए, उसके बाद फिर बायोमेट्रिक सिस्टम में इनकी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुई तो इनको पकड़ा गया और दानापुर पुलिस के हवाले किया गया। तो सिर्फ इन्हीं को पकड़ा गया है या फिर और भी कोई है? नहीं नहीं, एक ही अभ्यर्थी थे जो दूसरे के जगह पे, अपने भाई के जगह पे, सूत्रों के माने तो कि ये भाई के जगह पे, भाई का एक्सीडेंट में पैर टूट गया था, उसके जगह पे ये फर्जी दस्तावेज बना लिया था अपने भाई का और उसके जगह पे ये बहाली में सम्मिलित हो गया था और 2 दिन तक काम बजावते ट्रेनिंग लिया और उसके बाद 2 दिनों के बाद फिंगरप्रिंट जब मैच किया गया तो फिंगरप्रिंट मैच न होने के कारण फिर इसको भर्ती बोर्ड ने पकड़ा और फिर दानापुर पुलिस के हवाले किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।